हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया सिंह और आज मैं बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कीसोल के व्योमिनी रेंज से। आप लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था, हमने शैम्पू के बारे में इतनी खूबसूरती से बात किया था। तो क्या शैम्पू करने के बाद हमें कुछ और नहीं यूज करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप शैम्पू यूज करते हैं, मोरिंगा का शैम्पू जब आप यूज करते हैं, उसका अगला स्टेप होता है हमारा व्योमिनी का मोरिंगा हेयर कंडीशनर। अब हेयर कंडीशनर करता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि अरे हमने सिर्फ शैम्पू लगा लिया, इनफ हो गया। नहीं, जब भी आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू के बाद हेयर कंडीशनर हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमारे बालों की ड्राइनेस होती है वो इसे सॉफ्ट करता है। कंडीशनर हमारे बालों को सॉफ्ट रखता है, शाइनी बनाता है। और जब भी आप देखोगे बालों में ना, इस यहाँ पे ज्यादातर दो मुहे बाल होने लगते हैं, वो इसलिए क्योंकि लोग कंडीशनर यूज नहीं करते। अब बहुत लोग इसे गलत तरीके से यूज करते हैं। आपको इसको खोलना है और यहाँ से कभी भी नहीं स्टार्ट करना है। कंडीशनर हमेशा आपके एंड में यूज करना है। जब आप शैम्पू करते हो उसके बाद जब आपके बाल थोड़े सूखे और थोड़े गीले होते हैं, उस दौरान आपको बालों में हाथ में लेके आपको बालों में डैप डैप करके नीचे की तरफ लगाना है। 5 मिनट आपको अपने सर पे रखना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आप इसे जब भी शैम्पू के बाद यूज करेंगे, आप इसमें खुद चेंजेस देखेंगे कि मोरिंगा का कंडीशनर यूज करने के बाद आपके बाल पहले से ज्यादा शाइनी, सॉफ्ट और चमकदार दिखेंगे। और इसका जीता जागता जो सबूत आप मेरे बालों को देख सकते हैं कितने शाइन कर रहे हैं। और इसका फीडबैक मुझे खुद फील्ड से मिला है कि मैम हम पहले शैम्पू यूज करते थे तो अलग बात थी, बट जब से हमने कंडीशनर भी यूज करना स्टार्ट किया है तब से हमारे बाल और ज्यादा शाइन करने लगे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग भी कंडीशनर जरूर ट्राई करेंगे व्योमिनी का और हर घर तक पहुंचाएंगे। जय आरसीएम, जय।